पवन और ज्योति भले ही एक दूसरे के करीब ना हो, लेकिन आपको बता दें कि आज ज्योति ने एक फोटो पोस्ट की जहां पर उन्होंने अपने भाई को अपने सुख दुख का साथी बताया। जी हां, जिसे पवन सिंह के फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। ठीक है, चलिए आप में इन दिनों रिश्ता सही नहीं चल रहा है, लेकिन सुख दुख का साथी तो पवन सिंह भी आपके हैं। आप कभी पवन सिंह की फ़ोटो पोस्ट नहीं करती हैं और ना ही पवन सिंह के लिए कभी कुछ अच्छा लिख। वैसे आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 महीने से ज्योति सिंह सोशल मीडिया से काफ़ी दूर थी और अब उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया पर फिर से वापसी की है। और अपने वापसी के लिए ज्योति ने जो गाना चुना वो भी काबिले तारीफ था। वो गाना एक रोमांटिक सॉन्ग था, जिसे देखकर ये लगता है कि हो सकता है कि अब रिश्तों में कुछ सुधार। वैसे पवन के जितने भी डाई हार्ट फैन हैं वो ये चाहते हैं कि ये दोनों प्यारे प्यारे कपल जल्द से एक हो जाएं और पवन की ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। वैसे आप सभी जानते हैं पवन के पास दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, सभी कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी उनके जीवन में हमेशा रहती है, वो है उन्हें सच्चा जीवन साथी का प्यार अभी तक नहीं मिला है। फिर वो चाहे उनकी पहली पत्नी की बात हो, दूसरी पत्नी की बात हो, या फिर उनकी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह की बात हो, कहीं ना कहीं पवन का जो एक खालीपन है वो यहीं दिख जाता है। वैसे ज्योति सिंह ने अपने भाई के बर्थडे पर ये लिखा कि तुम मेरे सुख दुख के साथ ही रहे हो और हैप्पी बर्थडे बाबू, जिसे पढ़ने के बाद कईयों ने तो उनके भाई को विश किया, लेकिन कई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।